नमस्कार, आरके चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं जेंट्स बटन पट्टी और आर्म होल की कटिंग पाना सिखाऊंगी। ये देखो, मैंने ना फंदे आधे आधे कर लिए, आधे आधे फंदे करके मैंने आधे एक साइड में रख लिए और आधे हम बुनेंगे। ये देखो, पहले आर्म होल की हम कटिंग कर लें। एक, दो, तीन और चार, चार तीन दो एक की हम कटिंग करेंगे। बाकी हमने सिंपल, मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला, आप चाहो तो कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। मैंने सीधा उल्टा ही बुना है, मैंने जिसके लिए बुना उनको सीधा उल्टा ही पसंद है। आपने जिसके लिए बुनना है उसके दो फंदों को, दोनों जितने फंदे, जैसे 100 फंदे हैं तो 50 50 कर लो और आधे में फिर हम बटन पट्टी बनाएंगे। आठ फंदों की हमने बटन पट्टी बनाई है। एक, दो, तीन, चार। बटन पट्टी में हमने दो सीधे दो उल्टे बनाए हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी दो सीधे दो उल्टे का है, इसलिए हमने दो सीधे दो उल्टे डाले हैं। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई तो सिंपल उल्टी बॉर्डर बुन के बटन पट्टी का सिंपल उल्टा बुन लेना। अब सीधी सिलाई, पहले हमने चार दिए, चार की कटिंग की, अब हम तीन करेंगे। एक, दो और तीन।
बाकी सिंपल हमने जैसे सीधा बुनना और बटन पट्टी जैसे बनानी है वैसे बटन पट्टी आपने बना लेनी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आ जाएगी। ये हम बटन पट्टी के हम जैसे बुनेंगे वैसे रख लेंगे। चार तीन और दो की हम एक और दो, बाकी सिंपल सीधा आपने कोई भी डिजाइन डाला तो डिजाइन ही डालना। ये बटन पट्टी आ गई हमारी, जो बॉर्डर का डिजाइन है वही बटन पट्टी का डिजाइन आपने बनाना। मैंने ये बनाया था इसलिए मैंने ये बना दिया, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी बॉर्डर पट्टी के डिजाइन पा के। चार तीन दो अब एक, ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई और हमने सिंपल ऊपर सीधा बुनना है। और आपने जितना फांसा रख के आपने बटन होल बनाना है, बीच में एक बटन होल बनाना है आपने। और अब गले की कटाई पानी बाद में सिखाऊंगी, इतना पहले आप पूरा कर लो जितना आपने वो रखना है। मैंने गला बिल्कुल टाइट टाइट बनाना है इसलिए मैं ऊपर जाके थोड़ी कटिंग कम पाऊंगी। आप पूरा इतना कर लो फिर आगे बताती हूँ। ये देखो ये मैंने बना ली पट्टी और मैंने दो बटन होल बनाए। अब हम गले की डालेंगे कटाई। पहले पट्टी वाले सारे फंदे बंद करेंगे, पूरे पट्टी वाले फंदे आठ फंदे पट्टी वाले पहले पूरे बंद कर देंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ये पट्टी के हम पूरे बंद कर दिए। अब हमने फिर एक और दो दो फंदे फिर हमने एक एक की दो एक एक की हम बिल्कुल गला वैन वाला गला बनाना ना इसलिए ज़्यादा कटाई नहीं डालनी।
बिल्कुल साथ साथ रखना है टाइट टाइट। एक बस दो, एक एक करके हमने ऊपर हमने फंदे 26 फंदे रख के बाकी फंदे सारे हमने बंद कर देने हैं। मैंने 26 फंदे रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितने आपको रखने हो। अब मैं आपको आज इस वीडियो में आपको मैं वो तीरे की शेप बनाने भी सिखाऊंगी, कैसे हम तीरे की शेप बनाते हैं, जैसे हम कटिंग करते हैं उसकी शेप भी बनती है, वो भी बताऊंगी आपको। ऐसे करके हमने थोड़ा सा गला बनाकर फिर हमने बैन वाला गला बनाना है। इधर हम पट्टी के फिर हमने नीचे से फंदे उठाने हैं, ये आपको मैं फंदे उठाना भी दिखाती हूँ। ये दूसरी तरफ से मैंने फंदे सिलाई में डाल दिए। अब हमने यहाँ से 8 फंदे पट्टी के लिए उठाने हैं। ये देखो, एक एक दो तीन चार पांच छः सात और आठ। जो पट्टी हमने बनाई है ना उसके बिल्कुल नीचे उसके साथ ही ऐसे उठाने हैं। जो आपने बॉर्डर बुना वही बुनना है आपने, तो मैंने दो सीधे दो उल्टे डाले हैं। बाकी सिंपल जैसे हमने सीधा बुनना। ये पट्टी ऐसे पट्टी के नीचे आ जाएगी, पट्टी के बिल्कुल नीचे ऐसे पट्टी आ जाएगी। जहां हमने आम होल की कटाई करनी है, जैसे उधर 4 3 2 1 की थी, ऐसे ऐसे इधर करनी है।
उल्टी सिलाई। दो, तीन और चार। जैसे हमने यहाँ से की ना, चार तीन दो एक, ऐसी करके हमने पूरा कर लेना। वो तो आपको मैंने बता दी, ऐसे करके पट्टी, ये नीचे से पट्टी उठाई है मैंने, ये देखो ये ऐसे ऊपर आ जाएगी। इतना कर लो, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखो बटन पट्टी मेरी बन के, गला भी मैंने बना लिया। गला मैंने छोटा इसलिए बनाया, बैन लगाने के कारण मैंने गला छोटा बनाया। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हो। अब मैं आपको तीरे की शेप पानी सिखाऊंगी। ये देखो मैंने मैंने 26 फंदे रखे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे मैंने छोड़कर बाकी के फंदे मैंने बुनने हैं। उल्टी सिलाई सीधी में पांच फंदे, सात फंदे मैंने छोड़ दिए, अब मैंने उल्टी सिलाई बुननी शुरू कर दी है। उल्टी सिलाई में इसकी पूरी तीरे की शेप बनेगी, जैसे हम कटिंग में शेप बनाते हैं ना, वैसे ही शेप बनेगी। आप सीधी फिर मैंने एक दो तीन चार पाँच छः और सात फंदे, सात फंदे फिर छोड़ देने, पहले भी सात छोड़े फिर भी सात छोड़ दिए। अब फिर उल्टी, मैंने 26 फंदे रखे थे। आप अपने हिसाब से जितने रखना चाहते हो, इतना बड़ा स्वेटर है। एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात फंदे मैंने फिर छोड़ दिए, सात पहले सात फिर सात फिर। अब मेरे बच गए पांच फंदे, ये पांच फंदे मैं बुन दूंगी। ये देखो ये तेरी पूरी शेप बन गई। ये देखो यहाँ से ऐसे शेप जाएगी। इसी तरह हम इधर वाला भी कर लेंगे। ये मैं सिलाई फंदे में डाल लेती हूँ, आपको यही बता देती हूँ। ये देखो दूसरी तरफ भी
पहले मैंने सात छोड़ दिए, अब सात मैंने और छोड़ दिए, वापस इससे शेप अच्छी बनती है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब पाँच रह गए, पांच को हम ऐसे पूरी शेप बन गई धीरे धीरे। इसी तरह पीछे वाला हिस्सा भी बुनेंगे। ये देखो पहले हम 26 फंदे रख के बाकी फंदे हम बंद कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस, छब्बीस फंदे रख के बाकी फंदे हमने बंद कर देने हैं ऐसे। उधर भी छब्बीस रख लेने फिर हमने। से पूरे फंदे बंद कर देंगे। ये देखो मैंने पूरे फंदे बंद कर दिए और एक साथ छोड़ दिए, फिर वापस जैसे हमने दूर वाले का किया ना आगे वाले का, वैसे ही पीछे वाला करना, फिर सात छोड़ देने, फिर सात छोड़ देने, फिर पांच आ जाएंगे। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, दो इसी तरह हम इधरली साइड भी बुन लेंगे, फिर आपस में दोनों को बंद कर देंगे, फिर गले के फंदे उठाएंगे।
सात फिर छोड़ दिए, पांच बच गए। ये देखो वैसे शेप बन गई ना। इसी तरह हम इधर भी कर लेंगे, उसके बाद हम गले के फंदे उठाएंगे। ये देखो दोनों तरफ हो गया। अब हम तीरे जोड़ देंगे आपस में, एक फंदा इधर से एक इधर से। दोनों तरफ हमने तीरे की कटाई पाने के बाद दोनों आपस में मैंने जोड़ दिए। इसके बाद हम गले के फंदे उठाएंगे। ये देखो मेरी पूरी बन गए, तीरा भी जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ बटन लगाएंगे दो, यहाँ हमने हम फंदे उठाने हैं गले के, यहाँ से वो कैसे उठाने हैं ये देखो। अब अपने स्वेटर के हिसाब से उठाना, जितने आपने स्वेटर जिसका बुनना है मैंने बैन बनाना है इसलिए थोड़ा सा बुनूंगी। ऐसे उठाकर बैन तैयार कर लेंगे। अब बनाते हैं बाजू। तो मैंने बाजू बनाई है, इसकी मैंने कैसे कटिंग की है, पाँच चार तीन फिर दो दो करके मैंने कटिंग की इसकी। ऊपर मैंने 40 फंदे छोड़कर बंद कर दिया। इसकी कटिंग मैंने ऐसे डाली है कि आपको देखो कितनी स्मूथली नज़र आ रही है, वो ऊँचे ऊँचे नहीं बनी हैगी, बिल्कुल सिंपल सी। देखो चलो आपको दिखाती हूँ कैसे डालनी। पहले फंदा उतार लेना, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे हमने इधर से, पांच फंदे हमने उधर से, बाकी सिंपल आपने जो डिज़ाइन डाला वही बुनना। मैंने दो सीधे दो उल्टे बुने हैं। पूरी बाजू मैंने इसी डिज़ाइन में डाली, दो सीधे दो उल्टे ऐसे। ऐसा पूरा इधर तक, इधर भी हमने है पांच फंदे बंद करने हैं। अब उल्टी सिलाई में भी हमने पांच फंदे बंद करने हैं। एक पहला फंदा उतारना है, उससे आपकी चेन चेन जी आएगी बनके। दो तीन चार और पांच, फिर मैंने दो सीधे मैंने उल्टे डाले। आप जो भी डिज़ाइन डाला होगा वो ही बुनना। अब हम ऐसे सिलाई कंप्लीट करके दूसरी तरफ इधर फिर आ जाते हैं।
अब हमने फिर पहला फंदा उतार लिया, एक दो तीन और चार, देखो ऐसे नज़र आ रहा है ना। पहले फंदा उतार के पहले मैंने पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो दो की कटिंग करके, ये देखो पहले पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो दो की मैंने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ बार मैंने मैंने दो दो के फंदे कटाए, कटिंग की है। देखो ये ऐसे आ जाएगा, ऊपर मैंने 40 फंदे रखे हैं। जी आप कटिंग करके